वैसे दोस्तों कम बजट की बात की जाए तो कम बजट के अंदर कभी आप करके सिर्फ 1 GB तक की रैम देखने को मिलती थी, लेकिन दोस्तों समय बदल चुका है और समय के साथ अब आपको यहां पर 6 GB तक की रैम देखने को मिलती है। इसके अलावा 48 MP के क्वाड कैमरा सेंसर, फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, साथ ही 90Hz की रिफ्रेश रेट, 6000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक गेमर है तो आपको यहाँ पर काफी तगड़े गेमिंग चिपसेट भी देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आपका बजट यहाँ पर 9000 के आसपास का है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक चैनल गैजेट न्यूज हिंदी। और शुरू करने से पहले आपको एक और चीज क्लियर कर दूं दोस्तों कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर ही इस समय सेल चल रही है, जिस दौरान आपको यहाँ पर बैंक ऑफर्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जा रहे हैं और काफी अच्छी डील्स भी देखने को मिल जा रही हैं। तो अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स अप्लाई कर सकते हैं तो ये स्मार्टफोन्स आपको और भी सस्ते में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक मल्टीमीडिया के लिए अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M12 या फिर F12 को। इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन आपको बिल्कुल भी सेम देखने को मिलेगी, कोई भी फर्क यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M12 की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डिजाइन भी काफी अच्छा दिया गया है। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आप इसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से एक्सपांड भी कर पाएंगे। हमने इस फोन के बेसिक फीचर्स की बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलेगी यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको 90Hz तक की स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले भी ठीक है और साथ ही यहाँ पर आपको स्मूथ रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फोन के बैक में आपको 4 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जहां पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 48 MP का। इसके अलावा यहां पर आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है और ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर आपको 8nm टेक्नोलॉजी वाला एक्सिनोस का 850 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक डिसेंट सा प्रोसेसर है, जहां पर आपको डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग के साथ में नॉर्मल गेमिंग के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर आपको 6000mAh का बैटरा देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको 15W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इस फोन के अंदर आपको 4GB की रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 1TB तक। बात की जाए कमियों की यार, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल HD+ की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है। बाकी सब कुछ देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा दिया गया है और आपको यहाँ पर सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन वैसे तो आपको मिलते हैं 11000 रुपए की प्राइस पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर सप्लाई करते हैं तो ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन अभी आपको सिर्फ 9000 की प्राइस पर मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर अगले फोन की। और अगला जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और ये स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से, रियलमी C25S। सो दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब आप यहाँ पर भी माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से इसे एक्सपेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों यार बेसिक फीचर्स की बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको ब्राइटनेस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो आउटडोर वगैरह में यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी ठीक देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस फोन के बैक में आपको यहाँ पर 3 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिलेगा 13 MP का और इसके अलावा 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD तक की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पर कैमरा और ब्राइटनेस से तो बात नहीं बनती, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा, 12nm बेस्ड MediaTek Helio G85 का चिपसेट, जहाँ पर आपको डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग के साथ में इस प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छी गेमिंग भी करा देगा। साथ ही इस फोन में आपको यहाँ पर 6000mAh का बैटरा भी दिया गया है, जहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4GB की रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256GB तक। बात की जाए कमियों की तो यहाँ पर आपको नॉर्मल HD+ की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी नहीं दिया गया है।
लेकिन यहाँ पर आपको कैमरा, बैटरी और साथ ही परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर रियलमी की तरफ से स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन वैसे तो आपको मिलेगा 10,499 रुपए की प्राइस पर, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर सप्लाई करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 9,499 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पर रियलमी का ही रियलमी नार्जो 30A चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलेगा। फर्क सिर्फ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड और साथ ही एक मैक्रो सेंसर देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप यहाँ पर कैमरा से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और आपको सिर्फ यहाँ पर एक गेमिंग स्मार्टफोन के साथ में जाना है तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 3GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 8,999 रुपए की प्राइस पर। वैसे गाइस, यार हर किसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर सिर्फ गेमिंग तो नहीं होती है, तो किसी को यहाँ पर फुल HD प्लस की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले भी चाहिए होगी, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं पोको की तरफ से पोको M2 रिलोडेड। तो फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 10 के साथ में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक की बॉडी के साथ में देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको वाटर और डस्ट का स्प्लैश प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसका मतलब आपका स्मार्टफोन हल्के फुल्के पानी में यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। साथ ही यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब कि आप यहाँ पर भी माइक्रो SD कार्ड की मदद से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो बेसिक फीचर्स हो गए, अब बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की। सो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS LCD का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो ओवरऑल यार प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको काफी अच्छी और तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में यहाँ पर आपको बैक में 4 कैमरा सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का, साथ ही 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। वैसे फ्रेंड्स, यार सिर्फ फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में तो काम नहीं चल सकता, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G80 का 12nm वाला प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यार डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग और साथ ही हैवी गेमिंग के लिए काफी अच्छा और तगड़ा चिपसेट है। तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको 4GB की रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और ये जो स्मार्टफोन है इसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512GB तक। वैसे यार प्राइस के हिसाब से तो काफी अच्छा फोन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है। थोड़े मोटे ब्लॉटवेयर ऐप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैमरा भी प्राइस के हिसाब से नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सब कुछ देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा दिया गया है, जैसे कि फुल HD प्लस की रिजोल्यूशन दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको MediaTek Helio G80 का चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फोन पसंद है तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन वैसे आपको मिलता है 9,999 रुपए की प्राइस पर, लेकिन बैंक ऑफर सप्लाई करके आप इस स्मार्टफोन को सिर्फ 9,000 रुपए की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर Redmi के फैन हैं और आप Redmi की तरफ से ही स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर Redmi का Redmi 9 Prime भी देख सकते हैं। Redmi 9 Prime और Poco M2 Reloaded, इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन आपको बिल्कुल भी सेम देखने को मिल जाएगी। फर्क सिर्फ यहाँ पर यह है कि Redmi 9 Prime का कैमरा आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ज्यादा ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप Redmi 9 Prime के साथ में जा सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिल जाता है यहाँ पर 9,999 रुपए की प्राइस पर, लेकिन बैंक ऑफर्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो ये स्मार्टफोन भी आपको सिर्फ 9,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ओप्पो की तरफ से कोई अच्छा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं इस बजट के अंदर, तो आप यहाँ पर ओप्पो का ओप्पो A33 चेकआउट कर सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर भी आपको 6.5 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 90Hz तक की स्मूथ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी के साथ में 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 460 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट सा प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपको डेली वर्क के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन के साथ में भी जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 3GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 9,000 रुपए की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो इस फोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गेमिंग ही करनी है यार तो गेमिंग के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कमाल का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट के साथ में अच्छी खासी टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगी, बड़ी डिस्प्ले और साथ ही एक तगड़ा गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और ये फोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 10S। तो दोस्तों यार, इन्फिनिक्स भी काफी कमाल के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता जा रहा है, और ये स्मार्टफोन आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स की तरफ से।
तो बात की जाए यहाँ पर इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर और एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको डिजाइन भी काफी अच्छा दिया गया, जहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाएगी। बेसिक फीचर्स हो गए, अब बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर लगभग 7 इंच की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज तक की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, जो कि यार गेमर्स के लिए काफी अच्छी बात है। तो गेमिंग में आपको यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और इसके साथ में यहाँ पर आपको NEG का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप दोनों ही कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक देखने को मिल जाएगी। और वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए लगभग सब कुछ अच्छा देखने को मिल गया, तो प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा, MediaTek का 12nm बेस MediaTek Helio G85 का चिपसेट। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग और साथ ही गेमिंग के लिए काफी अच्छी और तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000mAh का बैटरा देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग में आपकी काफी हेल्प करेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब यार चार्जिंग टाइम आपको यहाँ पर काफी लंबा देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये फोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में, जहाँ पर आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे 256GB तक। वैसे फ्रेंड्स यार ये स्मार्टफोन स्टूडेंट्स लोग के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ ही लंबी बैटरी बैकअप का सपोर्ट भी दिया गया है। बात कर ले इस फोन की कमियों की, तो यहाँ पर भी आपको HD प्लस की रिजोल्यूशन देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया गया है और यहाँ पर भी आपको काफी सारे प्री ब्रॉडपेयर एप्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन वैसे तो आपको मिलता है 9,499 रुपए की प्राइस पर, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर सप्लाई करते तो ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ यहाँ पर 8,500 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको रैम काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी डिसेंट देखने को मिल जाएगी और ये स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स IN2B। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है अभी लेटेस्ट लॉन्च किया गया है माइक्रोमैक्स की तरफ से, जहाँ पर आपको 6GB तक की रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले, बैक में 13+2 मेगापिक्सल के डबल कैमरा सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बैटरी और यूनिसॉक का T610 वाला ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस ये प्रोसेसर भी काफी तगड़ा है, जहाँ पर आपको MediaTek Helio G70 जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा यहाँ पर 8,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये अभी 18 अगस्त को फर्स्ट सेल के लिए लाइव होगा, तो अगर आप चाहें तो उस दौरान इसे फ्लिपकार्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ स्मार्टफोन जो कि आपको इस प्राइस पर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी और साथ ही काफी अच्छी डील के साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर के भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है या फिर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है उन्हें रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।